वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम यू ऑल इन क्लास 11th इकोनॉमिक्स. सो एज यू नो दैट इन द लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस और द स्टडीड अबाउट द न्यू चैप्टर दैट इज कंसेप्ट ऑफ द रेवेन्यू. So the today's topic is concept of the revenue. So in this chapter what we are going to discuss, firstly we will discuss the meaning of the revenue. Aspects of the revenue. Aspects of. आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? Total revenue, marginal revenue, and average. Aspects of the revenue. Next हम लोग पढ़ेंगे relationship. Relationship between TR, AR and MR. In case of perfect competition. टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा आपका डिमांड कर्व ऑफ ऑल दी मार्केट फॉर्म्स. डिमांड कर्व ऑफ ऑल दी मार्केट फॉर्म्स इन वन कंसेप्ट हमें क्या करना है इस चैप्टर में पढ़ना है. इन द केस ऑफ कंसेप्ट ऑफ द रेवेन्यू में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी मीनिंग, फिर इसका आस्पेक्ट्स क्या है रेवेन्यू के, फिर रिलेशनशिप पढ़ेंगे टी आई आर इन द मार्केट और डिमांड कर पढ़ेंगे ऑल द मार्केट फॉर्म्स इन दी वन टाइम. ओके सो लेट अस डिस्कस ऑल दिस टॉपिक वन बाय वन. Let us discuss all these one by one. So firstly we will deal with the introduction part and after that meaning of the revenue. Okay. So revenue refers to the money received of a firm from selling its output. Okay? Money receipt क्या होता है, sorry revenue क्या होता है, it is the money receipt. कोई भी फॉर्म क्या करती है, money को receive करती है किस फॉर्म में, कब, जब अपने output को sold करती है. ठीक है. So in simple word, sale proceeds of a firm refers to a revenue. Okay, जो भी फॉर्म का sale होगा, जितने भी उसने commodity को क्या किए हैं, फॉर्म ने सेल किए हैं, उसके रिटर्न में उसको क्या मिला है, कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हुई, उस इनकम जनरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रेवेन्यू. ओके सो सपोज अ प्रोड्यूसर हैज़ प्रोड्यूस 1000 टेबल. ठीक है, किसी प्रोड्यूसर ने क्या
1000 टेबल को प्रोड्यूस किया है. सो बाय सेलिंग दिस टेबल ही गेट्स 20,000. ठीक है, उसने कितनी टेबल को प्रोड्यूस किया था, आउटपुट इसका हो गया 1,000. ठीक है, फिर उसको क्या मिला, 20,000 उसको क्या मिला, ही गेट्स, ही अर्न्स, उसकी अर्निंग हुई है, दैट इज 20,000. सो दिस सेल प्रोसीड्स फॉर हिम, ये उसके लिए क्या हो जाएगा, सेल में प्रोसीड हो जाएगा. सो इन इकोनॉमिक्स दिस 20,000 रुपीज इज नोन एज टोटल, सॉरी इज नोन एज रेवेन्यू. ओके, सो रेवेन्यू यहाँ पे क्या हो गया, किसी भी फॉर्म का, किसी भी प्रोड्यूसर का, दैट इज रुपीज 20,000 उसका क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया. ठीक है, फिर कह रहा है दिस रेवेन्यू ऑफ अ फॉर्म रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव बाय इट. ठीक है, ये जो अमाउंट है, ये जो रेवेन्यू है फॉर्म का, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी, कितना अमाउंट ऑफ मनी है, अमाउंट ऑफ मनी विच इज रिसीव बाय इट, जो वो रिसीव किया है बाय सेलिंग का गिवन आउटपुट, अपनी जो भी आउटपुट है उसको सेल करने के बाद. सो डिमांड कर्व फॉर ऑफ द कंज्यूमर फॉर अ कमोडिटी इज इन फैक्ट द एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ दी फॉर्म. ठीक है, जो भी डिमांड कर्व होगा किसी भी कंज्यूमर का किसी भी कमोडिटी के लिए, वो क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है किसी भी फॉर्म का, बिकॉज इट इज़ द डैट प्राइस द एनी कंज्यूमर इज विलिंग टू पे. ये वही प्राइस होता है जब कोई भी कंज्यूमर क्या है, वो पे करता है, और कोई भी प्रोड्यूसर वो अर्न करता है. सो दिस इज दी बेसिकली दी इंट्रोडक्शन. नाउ स्टडी द रेवेन्यू और द एस्पेक्ट्स ऑफ द रेवेन्यू. सो रेवेन्यू, सो अ फर्म सेल अ गिवन आउट गिवन क्वांटिटी ऑफ अ आउटपुट एट अ प्राइस एंड ऑब्टेन इट्स रेवेन्यू. ठीक है, फॉर्म क्या करती है, फॉर्म सेल, फॉर्म क्या करती है, सेल करती है गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को, अपने आउटपुट को. ठीक है, एंड इट इज द मार्केट वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू है ऑफ द प्रोडक्शन की. प्रोडक्शन की क्या है, मार्केट वैल्यू है. दैट मीन्स इट इज इक्वल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट. ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के इक्वल है. कब, एंड विच इज मल्टीप्लाइड बाई द मार्केट प्राइस, जो मल्टीप्लाई होगा मार्केट प्राइस ऑफ द. ठीक है, तो रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू वो होगा जितना भी क्वांटिटी किसी भी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया. ठीक है, 100 यूनिट या 200 यूनिट या, फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोड्यूसर ने 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया. ठीक है, और द प्राइस ऑफ दी दोज 100 यूनिट इज 20 पर यूनिट. पर यूनिट उसकी प्राइस क्या थी, 20 पर यूनिट. तो यहाँ पे रेवेन्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेवेन्यू इक्वल टू आउटपुट सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर इज मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ऑफ दी दोज 100 था, इतनी प्राइस थी 20, यहाँ पे कितना हो गया, दैट इज रुपीज 2,000. अभी रुपीज 2,000 इज दी रेवेन्यू ऑफ दी फॉर्म. यही 2,000 क्या हो गया, फॉर्म का रेवेन्यू हो गया. ठीक है, अब कह रहा है कि इन द वर्ड्स ऑफ द टूले, सो द रेवेन्यू ऑफ द फॉर्म इन द सेल रिसिप्ट ऑफ द मनी रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है, तो अब आता है एस्पेक्ट्स ऑफ द रेवेन्यू.
इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला आता है दैट इज टोटल रेवेन्यू, इन शॉर्ट वी कैन से दैट इज टीआर, ओके। नेक्स्ट है दैट इज मार्जिनल revenue, that is MR, and the next will be average it is, in short we can say that it is the A. सो ये सारी क्या है इंफॉर्मेशन आपके पास है, ओके। एस्पेक्ट्स ऑफ द रेवेन्यू में आपको क्या क्या पढ़ेंगे, टोटल रेवेन्यू इज नोन एज टीआर इन शॉर्ट, मार्जिनल रेवेन्यू दैट इज एमआर, एंड द एवरेज रेवेन्यू दैट इज टीआर। सो लेट अस डिस्कस ऑल दीज वन बाय वन, वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं इनको डिस्कस करते हैं। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ अ फर्म विच इज रिसीव्ड बाय सेलिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। टीआर इज द टोटल रिसिप्ट, टोटल मनी रिसिप्ट, टीआर का मतलब टोटल मनी रिसिप्ट होता है ऑफ अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का करिस्पॉन्डिंग टू अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। सो इट इज एस्टिमेटेड एट द प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड एट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इट इज द अमाउंट ऑफ द फर्म रिसीव्स बाय सेलिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो इसको अगर हम लोग को एस्टिमेट करना होगा तो हाउ कैन वी एस्टिमेट इट, वी कैन एस्टिमेट एज अ प्रोडक्ट ऑफ दी, सो टोटल रेवेन्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ दी क्यू इन टी क्यू इन टू पी, ठीक है। क्यू आर पी का है तो यहाँ पे पी आर इज टोटल रेवेन्यू, क्यू इज दी टीआर इज इक्वल टू क्यू इन टू टी क्वान्टिटी इन टू आउटपुट, सो टोटल रेवेन्यू आउटपुट ऑफ द कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो मैंने आपको बोला था कि प्राइस किसके इक्वल होता है, प्राइस इज इक्वल टू दी ए आर। सो आप ये भी लिख सकते हो दैट इज टीआर इज इक्वल टू क्वान्टिटी इन टू ए आर, प्राइस तो हम लोग ए आर भी कह सकते हैं, और हम लोग ये भी लिख सकते हैं टी और टी आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, इट इज दी जितने भी आपके मार्जिनल रेवेन्यू है इनका समेशन कर देते हैं, उसको किसके इक्वल हो जाता है टोटल, ठीक है। तब यहाँ पे देखो क्या क्या है,
टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, इट इज़ द अमाउंट ऑफ अ फर्म, फर्म का अमाउंट है विच इज रिसीव बाय अ सेलिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जो भी गिवन क्वांटिटी है आउटपुट की उसको सेल करने के बाद जो भी इनकम हो रही है दैट इज कॉल्ड द टोटल रेवेन्यू। सो वी आर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू द प्राइस। क्वांटिटी यहाँ पे कितनी है जो भी हम लोग लेंगे और प्राइस ऑफ दी और प्राइस को वी कैन ऑल्सो से एट द एवरेज रेवेन्यू। सो हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्वांटिटी इनटू इज इक्वल टू ए आर, सो ए आर भी लिख सकते हैं। और टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, जो भी डिफरेंट मार्जिनल रेवेन्यू है उनको अगर हम लोग सम कर देते हैं सो वी गेट द वैल्यू ऑफ द टोटल रेवेन्यू। ओके, सो दिस इज द टोटल रेवेन्यू। ओके, सो लेट्स टेक अ वन टेबल। Prices 10, 9, 8, 7, 6. 10, 9, 8, 7, 6. Okay, so how we calculate? हमने पढ़ा था कि TR is equal to क्या होता है, quantity into price. क्वान्टिटी इज ये क्यू और दिस इज पी प्राइस, तो हम लोग वी कैन मल्टीप्लाई एंड गेट द वैल्यू ऑफ 10, 18, 3, 8, 24, 4, 7, 28, 5, 6, 30. ठीक है, अब देखिए क्वान्टिटी सोल्ड इंक्रीज हो रहा है तो रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो वी कैन ऑल्सो प्लॉट इट इन डायग्राम, हम लोग प्लॉट भी कर सकते हैं, बट एक चीज़ डिफरेंट यहाँ पे ये होगा, व्हेन वी टेक दी थिंग्स दैट इज एवरेज टोटल जो कर्व होता है रेवेन्यू का वो क्या होता है, इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली एंड द मोनोपोलिस्टिक, इन सारे केस में ये क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, सेम नहीं कर सकते हैं, तो व्हेन वी ड्रॉ इट तो क्या होगा कि सो द नेक्स्ट वन इज दैट इज एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इट इज़ द पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, जब भी कमोडिटी सेल होती है तो पर यूनिट कितना रेवेन्यू क्या है वो रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, ठीक है, पर यूनिट कितना रेवेन्यू रिसीव हुआ है उसको बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, सो इट इज़ द पर यूनिट इनकम रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वान्टिटी ऑफ द आउटपुट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइस। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है,
सो फिर आता है दैट इज सो हाउ वी कैलकुलेट दी एवरेज रेवेन्यू. अगर हमें एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो हाउ वी कैलकुलेट दी एवरेज रेवेन्यू, बिकॉज पर यूनिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं. पर यूनिट कितना आउटपुट या पर यूनिट कितनी रेवेन्यू जनरेट होती है उसको बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू. सो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी और आउटपुट. ओके, सो इफ यू हैव टू कैलकुलेट दी एवरेज रेवेन्यू, सो एवरेज रेवेन्यू क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्वान्टिटी और दी आउटपुट. सो द नेक्स्ट वन इज रिमेंबर, अगर हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज रेवेन्यू की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्राइस की, सो बोथ आर दी सेम. हाउ, सो लेट अस प्रूव इट. इसको हम लोग प्रूव करते हैं. सो ए आर इज सेम एज प्राइस, ए आर इज सेम एज प्राइस. ए आर क्या है, वो प्राइस इज सेम है. सो इन इकोनॉमिक्स द टर्म ए आर एंड द प्राइस इम्प्लाई द सेम. दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं. ठीक है, सो सिंस दे रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू, ये दोनों क्या करते हैं, सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं. सो पी इज इक्वल टू ए आर, प्राइस इज इक्वल टू ए आर हमें प्रूफ करना है. सो आपको पता है ए आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू. ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं और टी आर इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू क्यू. ए आर इज इक्वल टू होता है टी आर अपॉन क्यू. ठीक है, और टी आर इज इक्वल टू होता है पी अपॉन क्यू. ओके, फिर देखिए कह रहा है कि ए आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू अपॉन क्यू. ए आर इज इक्वल टू, अगर हम लोग टी आर को स्प्लिट करें, टी आर की जगह पी इंटू क्यू लिखें अपॉन क्यू. ठीक है, सो ये क्या हो गया, p इंटू क्यू अपॉन क्यू अगर कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखो क्यू क्यू कट गया. सो ए आर इज इक्वल टू प्राइस आ गया ना. सो सिंपल, उसमें कुछ भी नहीं था, स्टेटमेंट ये था कि हमें ये प्रूफ करना था कि ए आर इज सेम एज द प्राइस. ए आर क्या होता है, वो प्राइस से एकदम सेम होता है. ठीक है, अब इसके प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके प्रूफ करने के लिए ए आर क्या है, ए आर इज द सेम एज द प्राइस. ए आर क्या है, प्राइस की तरह ही है. सो पी इज इक्वल टू ए आर, वी हैव टू प्रूव दिस वन. सो ए आर इज इक्वल टू टी अपॉन टी आर अपॉन क्यू. इफ वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज रेवेन्यू, सो वी विल डिवाइड द टी आर डिवाइडेड बाई क्यू. ठीक है, ये हो गया. और टी आर हमें कैसे निकालते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू. टी आर किसके इक्वल होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी. सो अब अगर हम लोग ए आर की जगह पे टी आर को स्प्लिटेड फॉर्म p इंटू क्यू लिखे डिवाइडेड बाई क्यू लिखे, सो ये दोनों कट जाएगा, p बचा. सो ए आर इज इक्वल टू p. सो इट इज शोन एज दी रिलेशनशिप बिटवीन दी प्राइस और ए आर. सो वी कैन से दैट दी ए आर इज इक्वल टू प्राइस. सो सिंस द सेलर गेट व्हाट द बायर पे, देयरफॉर जो भी बायर है सेलर वही गेन करता है जो बायर पे करता है. सो प्राइस एंड ए आर आर वन, दोनों ही क्या है, वन है. एंड द सेम थिंग, दोनों ही सेम है. डैट इज वाई ए आर कर्व एंड द डिमांड कर्व फॉर अ फॉर्म आर दी सेम. इसीलिए जो दोनों कर्व होता है वो दोनों क्या होता है, सेम होता है. इफ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए आर, सो इफ द वैल्यू इज ऑफ द क्वांटिटी एंड द टी आर इज गिवन, सो वी कैन कैलकुलेट द ए आर. हाउ, टी आर अपॉन क्वांटिटी. ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4 दिया है, टी आर आपका दिया है 10, 18, 24, 28. सो हाउ वी कैलकुलेट दी ए आर, इफ वी डिवाइड टी आर बाई क्यू. तो पहला हो गया 10, 2 9, 8, 7. सो 10, 9, 8, 7 दिस इज दी ए आर. ठीक है, सो वी कैन कैलकुलेट.